नमस्कार दोस्तों, आज 8 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली जादवपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात, कुछ कमेंट आ रहे थे कल, वो बोल रहे थे कि सरकार ने मार दिए इतना टमाटर, आड़ती क्यों मंगा रहे। दोस्तों ना तो सरकार टमाटर मंगाती है ना आड़ती टमाटर मंगाते हैं, ये व्यापारी जाते हैं, और जब व्यापारियों को किसी भी चीज़ में फायदा होगा तभी ये टमाटर जाएंगे कहीं से भी कोई भी सामान। और पूरे भारत में किसी भी आदमी को, किसी भी व्यापारी को, किसान को पूरी आज़ादी है इधर से उधर, उधर से इधर माल ले जाने की, लाने की, बेचने की। क्योंकि दोस्तों अब है उधर फसल का मौका पूरा, यह अभी ऐसा हुआ है कि 2-4 साल हुए फसल उधर ज़्यादा होने लग गई, तो नए नए बीज आ गए, नई नई तकनीक आ गई, इसलिए उधर से अब आज इधर टमाटर आने लग गया। तो इसमें कोई भी, जैसे हमारे उत्तर भारत का सेब उधर जाता है, उधर का टमाटर, उधर का जो है पाइन एप्पल इधर जो है उत्तर भारत में आता है, और उत्तर भारत का जो है दक्षिण भारत में सब्जी फ्रूट जाता है। तो जान लेंगे आज का टमाटर का क्या कुछ बाजार चला। और दोस्तों ये टमाटर जो मंदा है ना, एक दो दिन के लिए है, ये ज़्यादा मंदा नहीं होगा। मुझे तो आज ही मंडी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सब दुकानों पे जो है ट्रेले खड़े रहते थे, आज कम है। और जब ये किसी भी चीज़ का मंदा आता है तो 2-4 दिन के बाद नेचुरली बात है कि उसमें दोबारा तेज़ी फिर आती है। जान लेंगे आज का टमाटर का क्या कुछ बाजार खुला। दोस्तों जान लेते हैं जो टमाटर मंडी के प्रधान जी हैं यहाँ पर, इनके पास आज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियाँ हैं, जान लेंगे आज की क्या कुछ पोजीशन है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। सर जी आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियाँ? मैं सबसे पहले तो सुबह की सभी आड़ती भाइयों को और किसान भाइयों की मेरी राम राम, अशोक कौशिक। आज हमारी मंडी में जो गाड़ी है बेंगलोर की, वो 15-16 गाड़ी है और 10-12 गाड़ी हिमाचल की है जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी सर जी। आज रोज से कम आया जी माल? आज कम आया, जो ज्यादा आवक थी वो आज कम घट गया, क्योंकि 3 दिन से मंदा ज्यादा बिक रहा था टमाटर, तो पीछे नुकसान हो रहा, जो बेंगलोर से टमाटर आ रहा था उसमें नुकसान ज्यादा है, इसलिए आवक कम हुई है। और इधर ईद का टाइम है तो कम ग्राहकी कम हो गई है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज जैसे माल कम आया जी, रेट में कुछ थोड़ा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेट में आज फर्क पड़ा है। कल से 50-60 रुपए महंगा है। हाँ जो कल टमाटर 550 बिका था, आज वो 600 बिक रहा है। ये जो कोड में जी? हाँ जी, हाँ ये बेंगलोर का टमाटर है। अच्छा जी। हाँ जी, ये 550 से 650 रुपए आज हमारी मंडी में बिक रहा है ये टमाटर। अच्छा जी। हाँ जी, बेंगलोर का टमाटर जी। जो इसी में बेंगलोर का हाइब्रिड है जी, वो हाइब्रिड जो बेंगलोर का, वो बिका 700 से लेके 800, 850, 900 रुपए बिका जी। हाई क्वालिटी जो सुपर क्वालिटी है जी बेंगलोर की जी। और सर जी अपने पास जो अपना वो दूसरा महाराष्ट्र वाला टमाटर आया था? महाराष्ट्र का नहीं है, और दूसरा हिमाचल का है टमाटर हमारे पास, जो हिमसोना टमाटर आएगा अभी गाड़ी लगेगी। हाँ वो बढ़िया क्वालिटी में टमाटर 500 से लेके 800 रुपए टमाटर आज बिकेगा मंडी में, जो हिमसोना है। हिमसोना बढ़िया क्वालिटी एक नंबर की जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी सर जी। ये बात बताओ, अब की बार फसल ज्यादा है जी कर्नाटक में? देखो कर्नाटक में फसल ज्यादा है और समय से पहले आ गई है फसल, ये की बार 20 दिन पहले फसल चालू हुई है। देखो आवक तो बढ़ेगी तो आएगी, वो जाएगी कहाँ, ये पेरिशल आइटम है, रुकती नहीं है। ये आलू प्याज नहीं है, टमाटर है, ठीक है जी। किसान इसको रोक नहीं सकता, इसको तोड़ेगा किसान। और गर्मी बहुत है, गर्मी के कारण एकदम फसल लिकड़ी भी ज्यादा है। यानी 15 दिन ये पहले ही फसल चल? हाँ जी, 20 दिन पहले ये फसल आई है हमारे पास। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, ये 15 अगस्त के बाद आती थी ज्यादा, लेकिन अब की बार ये लगातार चलेगी कंटिन्यू, क्योंकि बीज ऐसे आ गए हैं अब 12 महीने हर जगह टमाटर उगने लगा है। हाँ जी, हाँ जी, ये साउ बीज है तो? हाँ साउ बीज है, ये साउ बीज है, सालों चला जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, हाइब्रिड में भी है और पत्थर टमाटर, पत्थर टमाटर ये दोनों तरफ काम करता है, हाइब्रिड में भी चलता है, देसी में भी चल जाता है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। वो सर जी जो महाराष्ट्र की गिन्नारा वगैरह की दूसरी गाड़ियाँ आ रही थी नासिक की, वो देखो अभी नासिक और गिन्नारा महाराष्ट्र हमारे पास कम है, अभी दिल्ली आजादपुर में तो पास नहीं आ रही है गाड़ी, एक दो गाड़ी आई है, बाकी दूसरी मंडियों का मुझे इतना पता नहीं है, शायद 2-4 गाड़ी लगी है अभी। उनका गिन्नारा का महाराष्ट्र का पड़ता नहीं आएगा हमारे पास, नारायण गांव के जो टमाटर। हाँ नारायण गांव की एक दो गाड़ी आई है। हाँ वो भी समझ लो 700-800 रुपए का बाजार है उसका। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका पड़ता निखारा जी? उनका पड़ता निखारा 450 रुपए की बिल्टी है, वहीं पे है, 250 रुपए खर्चा है, 700 रुपए गाड़ी बिकी है, 2 दिन पहले 600 रुपए गाड़ी बिकी है, तो उसके रेट में पड़ता कहाँ से आएगा। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे सर जी आने वाले दिन में जैसे इनकी अगेती फसल चली, हाँ हाँ, फिर ये तो खत्म भी जल्दी होएगी जी? ये खत्म हो जाएगी, लेकिन फसल और तैयार है, और चारों तरफ से महाराष्ट्र से टमाटर काफी निकलेगा, बेंगलोर से भी काफी निकलेगा, दूसरी फसल तैयार है बेंगलोर में। तो अब की बार क्या पोजीशन लग रही, जैसे पिछले साल मंदा आया था वो तो नहीं बात रहने? नहीं देखो ये सब्जी का काम है, इसका इतना नहीं पता लगता, कई बार ऊपर नीचे बाजार होते रहते हैं, ये सब्जी का काम है, ये मैं बताता हूँ, इतना नीचे नहीं जाएगा, बराबर चलता रहेगा 500, 600, 400।
यानी 400 से 600 के बीच में बढ़िया क्वालिटी बिकती रहेगी। ऊपर भी जा सकती है, अगर बरसात हुई, मौसम खराब हुआ, फसल खराब होगी तो रेट ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, यानी 400 से 600 के बीच में रीडिंग घूमती रहेगी। चलो, इतने में तो पैसे बन जाते हैं। हाँ, बनते हैं। देखो, हमारे जो हिमाचल के लोग हैं उनका पैसा बन जाएगा, जो बेंगलोर का पैसा उनका घटेगा इस रेट में पैसा। अच्छा जी, 600 में पैसा नहीं बनता है बेंगलोर का। किराया ज्यादा है जी, ज्यादा किराया, 250 रुपए का खर्चा पर करेट पे, 500 रुपए, 450 रुपए बिल्टी वहीं पे है, 300 रुपए से लेकर। अच्छा, 600-650 रुपए गाड़ी खुलती है आगे। अच्छा, और कल हमारी मंडियों में जो बिक गया टमाटर 400-450 रुपए, उसमें नुकसान है बहुत ज्यादा। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस। मैं हिंदुस्तान टमाटो कंपनी, ताज टमाटो कंपनी, अशोक कौशिक प्रधान, आजादपुर सब्जी मंडी। मोबाइल नंबर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 98-99-352-777। दोबारा बोल दो जी, 98-99-352-777। धन्यवाद, बहुत ठीक है जी, सबको मेरी राम राम जी। दोस्तों, आज इधर जो ये दूसरे वाली साइड चली गई, इसमें देखो यहाँ पर सारे में ट्रेले खड़े होते थे। आज हिमाचल के भी कमी है, हिमाचली गाड़ियाँ दोस्तों इस मौसम में थोड़ा लेट आती है। जैसे अभी ये गाड़ी आई, हिमाचल से आई है, हिमाचली गाड़ियाँ भी लेट आती हैं। और जो वैसा थोड़ा माल की कमी है, आज ये सारा प्लेटफार्म खाली है। तो मेन बात जो है दोस्तों, आवक के ऊपर है। जैसे प्रधान जी ने बताया आपकी बार, वहाँ फसल बंपर है और वो 20 दिन पहले चल गई, और गर्मी होने के कारण वो जल्दी तभी आजादपुर मंडी में आई, क्योंकि माल को फेंका तो जा नहीं सकता। जैसे पिछले हफ्ते टमाटर तेज रहा, वो अपना आम तेज रहा था, और फिर एकदम दोबारा वो तेज हो गया, ऐसे ही ये टमाटर को होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 10 दिन में इसका फिर दोबारा। और जैसे उन्होंने बताया 400 से लेकर 600 के बीच में रेट घूमता रहेगा। जान लेंगे प्रवीण भाई साहब से आज का हिमाचल का क्या कुछ बाजार चला। सर जी नमस्कार जी, आज क्या बात जी, माल कमी बहुत इधर तो माल बारिश की वजह से कम है, वहाँ बारिश बढ़ रही है, रास्ते बंद है। हिमाचल के जी है? हाँ जी, हाँ जी। ये हिमाचल वाली आई जी अभी? ये हिमाचल की है। अच्छा जी, ये निचले इलाके की है। अच्छा जी, परमाणु से आई है नीचे का। आज तो दूसरा भी परमाणु साइड की है? नहीं, करवाणु। अच्छा जी, अच्छा। और ये आज तो ये दूसरा भी कर्नाटक वाला भी कम है जी काफी? हाँ, वाह, वो भी कम है, माल थोड़ा सा बाजार में चटकी भी है। अच्छा जी, तो आज अभी अपने पास आया जी, इसमें अभी बोली बाद में होगी ना? बोली तो अब आजकल बोली तो हो ही नहीं रही है। अच्छा जी, वही अपना जो आ रहा है ले जा रहा है, जो आ रहा है ले जा रहा है, क्या कर। अच्छा जी, अच्छा। कह रहे कल से 50-60 रुपए का, 50-60 रुपए का फर्क है टमाटर? बढ़िया माल का है। अच्छा जी, जैसे ये वाले माल है ये तो अभी भी 350 रुपए बिक रहे हैं। ये कहाँ वाले हैं जी? ये सुंदरनगर। सुंदरनगर, सुंदरनगर की क्वालिटी थोड़ा हल्की है जी? हाँ, माल थोड़ा हल्का है। अच्छा जी, अच्छा। और निरवा चौपाल के? निरवा चौपाल आज आए नहीं, रास्ते बंद थे, गाड़ी आनी थी। हाँ जी, वो गाड़ी पहुँची नहीं, तो फिर अब कल आएगी। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी। MPJ D3 97-92-126-15-800। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।